सर कोणत्या मुद्द्यावर मतदान केलं? मुद्दा आज मुद्दे की बात करने की का टाइम नहीं है, आज बात करने का टाइम है कि सर्वाना बाहर येऊन सबको बाहर आके वोट करना बहुत जरूरी है। मुंबई ने कभी 50-60% से ऊपर वोट किया नहीं है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमको वो जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए और हमें ये नहीं मांगना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या करने वाला है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम एनकैश करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। प्रोग्रेस ऑफकोर्स देश में जो प्रोग्रेस हो रहा है और आशा करता हूं कि वैसे ही होता रहे। देखा जाए तो 6 दिसंबर का मतदान जो है मुंबई में हुआ है, किस तरह से देखते हो लोग बाहर निकल? युवाओं की संख्या कम आ रही बाहर, युवा निकलेंगे, युवा लेट उठते हैं थोड़ा, तो निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। लेकिन आते 80-85 बार करेंगे जो इंडिया फेस करता है और आप चाहेंगे कि सरकार इस आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया के ग्रोथ, इंडिया का ग्रोथ शुरू हुआ है। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यू नो, गरीबों का गरीबों के लिए करना, एजुकेशन, मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी ऑफकोर्स इंडिया स्टिल द चीपेस्ट, दुनिया में सबसे चीपेस्ट है, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि कोना कोना तक ये पहुंचे और अच्छा काम हो रहा है तो यही चाहूंगा कि अच्छा काम होता रहे। उंगली दिखा दीजिए आपने क्या? आई थिंक लोकल का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि अपने एरिया के लिए क्या करते हैं। मैं हमेशा देखता हूं कि मेरे सोसाइटी में कितने प्रॉब्लम्स हैं और 11 आदमी एक साथ जुड़कर कुछ काम नहीं कर सकते, देश कैसा चलता होगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस एज मेंबर्स, मैं सोसाइटी की बात करूंगा, फ्रॉम अ मेंबर्स पर्सपेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूट करना और ग्रोथ के लिए वोट करना। आपने वोट दिया है संघा, आज तुम्हें मतदान के लिए, मतदान के लिए का आवाहन करा मुंबईकरांना।